तम छोर छोटो नंबर थैंक यू यहाँ पर पधारे हुए सभी मित्र, तो आप सब के तो तिब्बत के जो परंपरा है, जो बौद्ध परंपरा जो रही है, और चीन ने तिब्बत के जो पंथ परंपराएं हैं उस पर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बंदी एक देखा जाए तो सख्ती की, लेकिन फिर भी तिब्बती जो लोग हैं उन्होंने इस परंपरा को रखा। आप एक प्रकार से आत्मबल से तिब्बत की कला, संस्कृति, धर्म उसको अभी तक जीवित रखा हुआ है। वहाँ पर उसमें कमी नहीं आने दी और निरंतर उसमें वृद्धि होती रही। उसमें सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दिए भी हैं। आज के समय में देखा जाए केवल तिब्बती नहीं, इसमें चीनी लोग भी, बहुत सारे चीनी लोग उसमें ध्यान दे रहे हैं। और आज के समय में विश्व के लोग जो जिनका धर्म से कोई लेना देना देना नहीं है, वो भी धर्म के प्रति ध्यान दे रहे हैं, उसमें आस्था रख रहे हैं। और प्रमुख रूप से जो विज्ञान है और विज्ञान के जो लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो मनोविज्ञान के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। खास करके जो नालंदा के विद्वानों द्वारा मनोविज्ञान के जो ग्रंथ हैं, जो रचना की हैं, उस पर एक प्रकार से रुचि दिखाते हैं। तो तिब्बत की बौद्ध जो परंपरा है वो मनोविज्ञान पर आधारित है। तो आज जहाँ पर बौद्ध दर्शन की परंपरा नहीं है और जो बौद्ध परंपरा में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बौद्ध जो मनोविज्ञान है उसमें बहुत ध्यान दे रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं, और उसके अलावा जो कि बौद्ध धर्म के अगर गहराई को देखें, सार को देखें, तो यही है कि जिन चीज़ों को हम परीक्षण करें वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। वैज्ञानिक लोग भी उसी प्रकार से प्राप्त करते हैं कि जब परीक्षण करें तो कोई भी चीज़ें प्राप्त स्वभाव से सिद्ध नहीं होती है। तो भगवान बुद्ध के दर्शन में शून्यता और बोधचित्त जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बोधचित्त अगर शून्यता की बात करें, वो अपने अनुभव के आधार पर कहे, इसके अलावा जो भी चीज़ें हम देखते हैं, बाहर की जो भी हम वस्तुएं देखें, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने स्वभाव से सिद्ध हैं। लेकिन जब इन चीज़ों को हम परीक्षण करेंगे, इनकी जांच पड़ताल करेंगे, तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा सिद्ध होता है। तो सारी की सारी चीज़ें केवल और केवल नाम मात्र से हैं, केवल केवल नाम मात्र से उसकी संज्ञा दी गई है। तो सामान्य रूप से कहें तो उसके प्रति हमें विचार करना चाहिए। आज के वैज्ञानिक लोग जो हैं, विद्वान लोग हैं, वो इसके प्रति बहुत रुचि दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। जैसे ही मैं सुबह उठता हूं तो बोध चित्त का अभ्यास करता हूं, उसके साथ साथ शून्यता का अभ्यास करता हूं। तो ये मेरी दैनिक अभ्यास है। तो इसलिए बुद्ध चित्त का अभ्यास, शून्यता का अभ्यास, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बुद्ध चित्त का अगर अभ्यास करेंगे तो उससे जो हमारे स्वार्थी चित्त है, एक प्रकार अहंकारी चित्त है, उसको दूर किया जाता है। कि हमें दूसरों को बहुत ज़्यादा महत्व देना है, अपने से महत्वपूर्ण मानना है। और जितने भी जीवधारी हैं वो हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको बहुत नज़दीक बना करके देखना चाहिए कि वो सभी लोग
जो कि है सुख चाहते हैं, तो इसलिए बुद्ध चित्त के बारे में कहा जाता है कि अपना स्वयं का हित चाहते हैं तो बुद्ध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, दूसरों का अगर हित चाहते हैं तब भी बुद्ध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। अगर बुद्ध चित्त का अभ्यास करेंगे तो आपका मन शांत होगा, मन शांत होगा तो आपका जो काय है, जो शरीर है, उसको भी फायदा होगा। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर बोध चित्त होगा उतना ही आपका मन खुशहाल होगा, बहुत बड़ा इसमें अंतर आता है। इसलिए अगर मन की शांति चाहते हैं तो उसके लिए बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। और मन की अगर शांति आती है तो उससे हमारे काय पर भी, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, और उससे अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, वो जितने ज़्यादा हमारे अंदर विचार होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो इसलिए ये एक स्वभाव है, हम दुनिया में सभी चीज़ों को देखते हैं कि हम दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मैं की भावना रखते हैं, अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार की जो भावना है, इस वजह की भावना की वजह से इस दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, इसकी वजह से कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं। इस बात को हमको विचार करना चाहिए कि जो स्वार्थी चित्त है, मैं की भावना की वजह से ये हत्याएं होती हैं। इसलिए हमें दूसरों का ध्यान देना चाहिए। केवल केवल हम डेमोक्रेसी की बात करें, स्वतंत्रता की अगर बात करें, और वास्तव में अगर अभ्यास न करें और केवल अपने अधिकार की बात करते रहें, अधिकार की बात करते रहें, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। इसलिए विश्व की जो शांति है वो तभी संभव होगा। ऐसा नहीं है कि शांति कहीं आसमान से आपके पास आकर के गिर जाए, शांति अपने अंदर से उत्पन्न हो सकती है। अगर दुपर हित के बारे में अच्छा विचार अगर होगा तो शांति तो अपने आप स्थापित हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारा करुणा का अभ्यास है, और करुणा जो है शांति की मूल है, जड़ है, इसके माध्यम से ही शांति आ सकती है। और करुणा तभी संभव होगी जब हम उसको समझें, और समझें कि जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जिन वस्तुओं को भी अगर आप देखेंगे, परीक्षण करेंगे, तो वो केवल केवल नाम मात्र से होती हैं, अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए अगर शांति चाहते हैं तो इसके लिए परहित के बारे में सोचना चाहिए। और मैं अपना उदाहरण दूं, मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूं, उनका चेला हूं, तो बचपन से ही मैंने उन ग्रंथों को पढ़ा है, और दिन प्रतिदिन उनका अध्ययन किया। और उसके माध्यम से मन में शांति की स्थापना हुई, और जब मन में शांति आती है तो उसके बाद हमारे जो काय है, जो शरीर है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और वास्तव में अगर आप दीर्घायु को चाहते हैं तो उसके लिए बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। और इसको अगर देखें तो उससे हमारे जो शरीर भी अच्छा होता है। और जब सुनिता का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो हमारे मन में शांति स्थापित हो जाती है, और प्रतिदिन अपने मन को शांत रखना चाहिए। और सबसे अच्छा अगर कोई अभ्यास है तो बोधचित्त का अभ्यास है। तो जैसे कि मैं उदाहरण में दूं, तो हम लोगों का उद्देश्य यही होता है कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूं। अगर जो इस अभ्यास को नहीं कर पाते, जो बुद्ध कि मैं बुद्ध बनूंगा ऐसा प्रेरणा नहीं है, तो वैसे लोग सोच सकते हैं कि मुझे इस जीवन में भी लाभ हो सके, हमारे जो काय हैं वो अच्छे हो सके। इसलिए बोधचित्त और सुनता का अगर अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। और मैं इस दुनिया के जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके साथ साथ मिलकर के जो विद्वान हैं, खासकर मनोविज्ञान के लोग हैं, उनके साथ मैं चर्चा करता हूँ।
और हमेशा यही कहता हूँ कि भगवान बुद्ध का जो शासन है, जो दर्शन है, वो केवल बुद्ध शरणंग धम्मंग और संगम शरणंग गच्छामि कहने मात्र से संभव नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारे जो मन की क्या व्यवस्था है उसको समझना चाहिए। और जब आप इसके बारे में विचार करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वो मन शांत होता है और इससे आपके जो जीवन है वो भी लंबा होता है। तो भगवान बुद्ध ने करुणा के बारे में कहा कि अच्छे व्यक्ति बनना चाहिए। फिर शून्यता के बारे में व्याख्या की, तो शून्यता का अर्थ है कि स्वभाव से सिद्ध न होना। इसलिए भगवान बुद्ध के शून्यता और बुद्ध चित्त के जो उपदेश हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भले ही किसी धर्म को नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी अगर अपने मन को शांति की स्थापना करना चाहते हैं तो इससे आपका जीवन भी अच्छा होगा, जीवन भी लंबा होगा, इसको लाभ भी आपको होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो बौद्ध दर्शन में, जो बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत के बारे में कहा गया है, भले ही आप सिद्धांत को न मानते हो लेकिन उसमें जो मनोविज्ञान के बारे में व्याख्या की है उसको अगर मानते हो, उसमें थोड़ा अभ्यास करोगे तो आपका शरीर भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा। और इसकी वजह से, इस माध्यम से विश्व में शांति आ सकती है, क्योंकि आपका मन अगर शांत है, लोगों का मन अगर शांत है तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। और मन की अगर, विश्व की अगर शांति भंग जो होती है वो भी मन की वजह से होती है। जब हमारे मन में बहुत गुस्सा आ जाते हैं उसकी वजह से युद्ध होते हैं, इसकी वजह से पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और आजकल भी समय में देखें कि तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी जैसी है। बहुत सारे परमाणु बम बन चुके हैं, हम ऐसी स्थिति में हैं। वो तभी हुआ है कि हम अपने आप को स्वार्थी हो गए हैं, हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच पाते, इस वजह से ये हालात बने हुए हैं। क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि शांति आनी चाहिए लेकिन शांति जो है मन से आती है। कहीं आकाश से आपके सामने आकर के शांति गिर जाए वैसा नहीं है, आसमान से नहीं टपकती है। उसके लिए आपको अपने मन का अभ्यास करना चाहिए। आप चाहे धर्म को मानते हो या नहीं भी मानते हो कोई बात नहीं, धर्मों में अगर बौद्ध धर्म को मानते हो नहीं मानते हो कोई बात नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने मन को अच्छा बनाना चाहिए, शांति बनानी चाहिए। तो हम लोग जो, जैसे कि चीन की अगर बात करें, चीनी लोग भी कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, तो शांति आकाश से नहीं आएगी। शांति जो है आपके मन से ही उत्पन्न हो सकती है, मन से शांति बनाने की जरूरत है। और खास करके जो नालंदा में मनोविज्ञान साइकोलॉजी की जो बातें की गई हैं उसके माध्यम से ही संभव हो सकता है। बुद्ध में अगर श्रद्धा रखें उससे संभव नहीं होगा। हमारे मन को कौन खराब करता है उसको पहचानना चाहिए। और मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में कैसे कहा गया है उसका अभ्यास करना चाहिए। तो मैं भी इसका रोज़ अभ्यास करता हूं। और हमारे जो मित्र हैं आप सभी लोगों से यही कहता हूं कि आप भी ऐसे ही अभ्यास करें। आप धर्म को माने या न माने लेकिन प्रेम करुणा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत लोग पसंद करते हैं, मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मानते भी हैं। आज मनोविज्ञान की वजह से बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के प्रति ध्यान दे रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। तिब्बत की अगर हम बात करें तो जो धर्म राजाओं की परंपरा को अगर देखें उसके बाद तिब्बती जो भाषा है उसको अलग से बनाया और फिर तिब्बती भाषा में सूत्र और तंत्र, सूत्र और शास्त्र इनका अनुवाद किया। आज हम लोग पढ़ सकते हैं इसको, हमारे पास ग्रंथ हैं। अगर हम इन ग्रंथों को पढ़ें तो उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है।
अच्छे से सोच विचार करने की आवश्यकता होती है। और तिब्बत में जो भी परंपराएं हैं, चारों परंपराओं, उनको में अंतर नहीं करना चाहिए। उन सभी लोगों को प्रमाण के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जो हमारे प्राचीन के ग्रंथ उनको पढ़ना चाहिए, माध्यमिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो आज हमारे छोटे से देश तिब्बत में उस परंपरा को रखे हुए हैं। आज के समय में आज आपको बौद्ध बनना ऐसी जरूरत नहीं है, आपको धार्मिक होना ऐसी जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको मन में शांति लानी चाहिए, इससे दुनिया के लोगों को फायदा हो सकते हैं, चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो, कहीं देश के कहीं के भी, दुनिया कहीं के लोग, सबको शांति की जरूरत है। तो हमेशा मैं इसके बारे में बताता हूँ, लोग इसको मानते भी हैं। तो आज यहाँ पर सभी परंपराओं के लोग आए हुए हैं, लामा लोग हैं, गेशे लोग हैं, खेम्बो लोग हैं, जो पढ़ाई करके आए हुए हैं। तो आप लोग अभ्यास करें, इसके अलावा अलग अलग देशों के लोग आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, आप सभी लोगों से मिल करके मुझे प्रसन्नता हुई है। तो हम सभी को अगर अध्ययन करना है तो वो बौद्ध जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी है वो समान है, चाहे आप धर्म को मानते हो न मानते हो अलग बात है, मानने वाले में भी अलग अलग धर्म हैं, लेकिन सबके विचार या जो संदेश है एक जैसा होता है। हालांकि शब्द अलग अलग हो सकते हैं और इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन जो उसके मीनिंग की अगर बात करें, उसके सार के रूप में बात करें, तो सभी यही कहते हैं कि दूसरे को हमें प्रेम करना चाहिए। और तिब्बत के साक्या कागी न्युमा गेलोग जो भी परंपरा है वो एक जैसी है, समान परंपरा है। और ये ही तिब्बत का एक धरोहर है, आप सभी लोगों को मानना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हम लोग अपने देश में नहीं है, देश छूट गया है, आज़ादी छूट गई है, लेकिन फिर भी अगर अर्थ के रूप में सोचेंगे, अगर चीन में भी अगर देखें तो तिब्बती परंपरा को मानने वाले की जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी अभी भी काफ़ी संख्या में लोग बढ़ रहे हैं। और आज यहाँ पर हम लोग भारत में हैं और इस दुनिया में जो तिब्बती लोग हैं उन सभी के बारे में, तिब्बतियों के बारे में दुनिया के सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो लोग अच्छे लोग हैं, उनके मन में शांति है, तसल्ली वाले लोग हैं और तिब्बती धर्म परंपरा के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर मन खराब अगर होगा तो सपने भी खराब आएंगे, नींद भी ठीक से नहीं आएगी। अगर मन आपका अच्छा है तो आपका शरीर भी ठीक होगा। तो फिर यह प्रार्थना करेंगे कि जब तक जीव आकाश रहेगा, जब तक जीवधारी रहेंगे, तब तक मैं भी रह करके उनके मदद करूंगा। तो ये जो प्रार्थना है बहुत बड़ी प्रार्थना है, ये केवल शब्द नहीं है, इसको दिल से करना चाहिए कि जब तक आकाश रहेगा, अर्थात जब तक जीवधारी रहेंगे, तब तक मैं भी रह करके उनकी मदद करूंगा। ऐसे अगर विचार बनोगे तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है, प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके अभ्यास करें। तिब्बती संस्कृति धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हर दिन अभ्यास करना चाहिए। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करें, नाग वगैरह ये ड्रम वगैरह बजाते रहें, वो नहीं होता है। धर्म का अर्थ होता है अपने मन में परिवर्तन लाएं। तो आप लोग वैसे ही अभ्यास करें, मन को शुद्ध करें। जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ के गर्भ के प्यार की वजह से हमारा जीवन बढ़ता है,
फिर उसके जब हम जन्म होता है, जब पैदा होते हैं, उस वजह से उसके बाद भी माँ के दूध के वजह से हम लोग जीवित रह पाते हैं। तो इसलिए देखिए कि माँ का जो प्रेम है, उनका जो करुणा है, कितना ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग सामान्य रूप से देखें या जो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें, तो इस जो शक्ति है जो हमारी माँ से मिली हुई है, उसको हमको नहीं फेंकना है, उसको साथ रखना है, अपने जीवन में उसको साथ लेकर के चलना है, अपने जीवन में प्रेम दिखाना जरूरी है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें। तिब्बती लोगों के तो है ही हैं, इसके अलावा जो तिब्बती लोग नहीं हैं, जो बौद्ध भले ही नहीं हैं, जो धर्म को भी नहीं मानते हैं, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए। जो हमारा करुणा का अभ्यास है, मैत्री का अभ्यास है, आप सभी लोग करना चाहिए। जो माँ से मिला हुआ प्रेम है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो माँ से हमें प्रेम मिला है, वो पूरे जीवन भर इसका अभ्यास करना चाहिए। जब हम मरेंगे, उस समय भी जो माँ का प्यार है, वो आपके मित्र भी अगर आपको दिखाएंगे, तो आप जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब मरेंगे, तब आप भी अच्छी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। अगर मौत के समय आपके अंदर गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा क्रोध हो, ईर्ष्या हो, तो उस समय मन में शांति नहीं आ सकती है। इसलिए प्रेम करुणा युक्त जो मन है, उसको हमेशा बना के रखना चाहिए। और जब आप जीवित हैं, उस समय दोस्तों के साथ प्रेम करना चाहिए। अगर लोगों के प्रति आप प्रेम रखते हैं, तो फिर भले ही आप अगले जीवन को नहीं भी मानते हैं, इस जीवन में भी आपको आपका जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। अगर अगले जीवन को मानते भी हो, तो आने वाले जीवन में भी आपको अच्छा जीवन प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग इस मेरी बात को ध्यान रखें। अगर धर्म के, बौद्ध धर्म के बारे में बात करें, तो इसमें बहुत सारे मार्ग होते हैं, क्रम होते हैं, बहुत सारी व्यवस्था होती है। तो भले ही उसको आप नहीं जानते, अर्थात बौद्ध धर्म को नहीं भी जानते हो, तो प्रेम करना को आप अच्छी तरह से अभ्यास करो। आप अच्छी तरह से अभ्यास करें। यहाँ पर बहुत सारे भिक्षु लोग आए हुए हैं। हम लोग जो तिब्बती परंपरा के शाक्या, काग्यू, गेलुक, निंगमा, एक भगवान बुद्ध के चेले हैं, और पूर्व में जैसे पहले के गुरु लोगों ने, जिन्होंने अंतर नहीं किया, जिन्होंने सबको धर्म का उपदेश दिया, जिस परंपरा को रखा हुआ है, वैसे ही हम सभी लोगों को अभ्यास करना चाहिए, वैसे ही अभ्यास करना चाहिए। अभी जो चित्त शोधन के अष्ट पद हैं, ये कहा गया कि इसके जो किसे लंगड़ी थम्पा ने इसकी व्याख्या की है, तो उन्होंने भी हमेशा बोध चित्त का अभ्यास किया। तो ऐसा उन्होंने पूजा पाठ वो करते रहे हों, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। वो खास करके जो बोध चित्त का अभ्यास कैसे करना चाहिए, वो उनका जीवन उसी में गुजरा है। तो इसलिए गिशे लंगड़ी थंगपा, वो वास्तव में बहुत बड़े बोधसत्व थे। तो उनके द्वारा रचना की गई है चित्त शोधन के अष्ट पद। तो आप आयोजन समिति ने कहा है कि इसकी हमें आगम दें, व्याख्या करें। तो मैं भी हर दिन इसको पाठ करता हूँ। जैसे ही मैं उठता हूँ, वो चित्त का अभ्यास, शून्यता का अभ्यास, और जब बुद्ध चित्त का अभ्यास करता हूँ, तो उस समय जो कि चित्त शोधन के अष्ट पद लोजों सिगेमा, इसका मैं अभ्यास करता हूँ। इसके साथ साथ माध्यमिक अवतार के ग्रंथ और अन्य अन्य ग्रंथ हैं, उनका भी मैं अभ्यास करता हूँ, रोज अभ्यास करता हूँ। और वो महीनों वर्षों तक इसका जब अभ्यास करेंगे, तो मन में परिवर्तन आता है। तो जैसा कहा जाता है, अगर कोई भी चीज़ है, अभ्यास करोगे तो वो सरल हो जाती है, कठिन नहीं रहती है। अगर अभ्यास करोगे तो मन में परिवर्तन आएगा, 100% 100% परिवर्तन आता है। और जब धर्म की बात हम करते हैं,
तो बाहर के पूजा पाठ करें या फिर और चीज़ें करते रहें तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। इससे अच्छा होगा कि आप ग्रंथों को पढ़ें, जैसे कि मिलेरपा जी को देखें, उन्होंने वास्तव में कितना अभ्यास किया। अगर मिलेरपा पूजा पाठ करते रहते तो फिर शायद वो एक जीवन में उद्दत्व प्राप्त नहीं कर पाते। तो उन्होंने भी शून्यता और बोध चित्त का अभ्यास किया, और इसका अभ्यास आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। तो अगर आप करोगे तो आप दूसरे मिलेरपा को लाओगे, वो वास्तव में भगवान बुद्ध के वास्तव में चेला हो गए, उनके चेला वास्तव में हो गए। अगर पूजा पाठ करते रहोगे तो उससे, तो फिर पूजा पाठ करते रहें और मिलेरपा के पास गए तो फिर वो आपके पास नहीं रुकेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे कि क्या फ़ायदा है जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ उसका नहीं कर रहे हो। तो इसलिए उनके जैसा भी साधक बनना है तो अच्छा एक साधक बनना है, अच्छा एक आपको बौद्ध बनना है। तो बौद्ध दर्शन का, बौद्ध बनने का जो मतलब है कि आपके मन में शांति आए। जैसे कि तिब्बत के बौद्ध, अगर तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में बात करें, जब मैं माओ सेतुंग से मिला था उस समय में ही मेरी अंतिम मुलाकात थी, वो मुझे काफ़ी पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा कि धर्म है वो जहर है, ऐसा मुझसे कहा था। तो मैंने तुरंत उनकी बात के बारे में कुछ नहीं कहा। तो आज अगर माओ सेतुंग होते तो आज वो भी बौद्ध बन जाते। तो इसलिए उन्होंने जो बौद्ध दर्शन को एक जहर की तरह माना, लेकिन ऐसा वो भूल गए कि बौद्ध दर्शन की वजह से ही मन की शांति आ सकती है। और इसमें भी जो बोध चित्त है, बोध चित्त के बारे में अगर हम चिंतन करें तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा, मन में भी शांति होगी। तो आप सभी तिब्बती लोगों से, और इसके साथ साथ हमारे जो तिब्बतियों के दोस्त हैं, आप सभी लोगों को एक अच्छी आदत बनानी चाहिए, एक अच्छे विचार बनाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध को अगर देखे तो उनका जो जीवन है, अर्थात भगवान बुद्ध के जीवन को देखें, तो वो बहुत सारी चीज़ों से या बहुत सारे जो अनंजन और व्यंजन होते हैं उससे परिपूर्ण है। और फिर अंत में जो देखा जाए, जो अनंत काल के उम्मीद हैं, अर्थात जो हमारी चाहत है, उसको भी उन्होंने छोड़ा। इसका कहने का अर्थ है कि जो वास्तविकता है वो उन्होंने, उसको उन्होंने समझा। और जीवधारियों की किस प्रकार से विचार हैं, लोगों की सोच जो है कम हो या प्रखर बुद्धि के लोग हैं, उन सभी लोगों के मन को उन्होंने समझा और उनके मन को समझ के उपदेश दिया। तो इसीलिए भगवान बुद्ध हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, हम लोग उनके शिष्य हैं, चेला हैं। तो हमें केवल इस जीवन के बारे में नहीं सोचना है, हमें जीवन से जीवन, आने वाले जीवन के बारे में हमें सोचना है। तो जितने जीवधारी हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी का मैं हित कर सकूं, ये विचार होना चाहिए। तो जो प्रार्थना की गई है कि दिल की गहराई से हमें भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। और भगवान बुद्ध के जो काय हैं, वाक हैं, चित्त हैं, उनके गुणों को समझें। कि केवल इतना नहीं कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे उनके अंदर गुण हैं, उतना सोच करके रोज हम भी उनकी तरह अभ्यास करें। अगर आप भी वैसे अभ्यास करोगे तो वास्तव में आप एक सच्चे बौद्ध हो। तो तिब्बत में जब तंत्र का बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ, विकसित हुआ, और उसको जो हमारी त्रि शिक्षा है उसको आधार रखा, फिर शून्यता और बुद्ध चित्त का अभ्यास किया और फिर तंत्र का अभ्यास किया। तो तंत्र का अभ्यास वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, और सूत्र और शास्त्र का जब आप अच्छे से अभ्यास करोगे,
आप बोधचित्त शून्यता का अभ्यास अच्छे से करोगे तब जाकर के तंत्र को अच्छी तरह से समझ सकते हो। केवल आप पूजा पाठ करते रहें, नाग इत्यादि बजाते रहें तो उससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा, उससे अच्छे धर्म को आप नहीं सीख सकोगे। तो तंत्र का अर्थ होता है कि आप अपने में अच्छे से अभ्यास करें। तो आप सभी लोग को अच्छी तरह से बौद्ध धर्म का अभ्यास करना चाहिए। जो नालंदा की परंपरा है, जो तिब्बती विद्वान लोगों ने वहाँ व्याख्या की है, उसमें अंतर न करते हुए तिब्बत की जो चारों परंपराएं हैं उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ऐसा मानना चाहिए कि ये हमारी धरोहर है। जैसे हम किसी चीज़ों को, सामान को रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसको हमें ध्यान करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता था तो अब जो चित्त शोधन के अष्टपद, तो जिसे लांगड़ी थाम्बो बाकी विद्वान थे, मैंने भी इसकी शिक्षा प्राप्त की है और मैं रोज इसका अभ्यास करता हूँ। इससे मन में एक शांति मिलती है। तो जैसा कहा गया कि मैं सभी सत्वों को चिंतामणि से भी बढ़कर परम अर्थ की सिद्ध के आशय से नित्य परम प्रिय के रूप में ग्रहण करूं, तो हमें अपने जीवन को निर्वाण प्राप्ति करनी है ऐसा विचार करना चाहिए। और वो जीवन को अगर हम निर्वाण प्राप्ति करना है, वो दूसरे जीवधारियों की वजह से ही संभव हो सकता है। और दूसरे जो जीवधारी हैं वो वास्तव में एक चिंतामणि के समान हैं। किसी अन्य के संग व्यवहार करते हुए मानो स्वयं को निम्नतम और अपने हृदय की गहराइयों सम्मान से मानो अन्य को श्रेष्ठ। तो इसलिए जो धर्म को मानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो धर्म को नहीं मानते हैं, कोई भी मित्र मिले, कोई भी व्यक्ति मिले, तो उनके प्रति हमें सम्मान करना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए। तो कहीं भी जाएं, जैसा कहा जा रहा है, हम कहीं भी जाएं, किसी के साथ अभ्यास करें, उन सभी से अच्छे अभ्यास करना चाहिए। और जैसा कहा गया, अपने आप को निम्न रखना, नीचा रखने का मतलब ये है, आप इसमें सोचिए, जो धर्म को मानते हैं तो उस समय अगर हम विचार करें, तो मैं अपने जीवन भर अपने को निम्न रखूंगा, नीचा रखूंगा, और पूरे दिल से दूसरों का हित करूंगा। जब इस प्रकार का अभ्यास करेंगे, ऐसी भावना करेंगे, तो जो भी आपको मिलेगा, जीवधारी मिलेगा, तो उस समय माने कि मैं उनको श्रेष्ठ रखूंगा, अपने आप को कमजोर रखूंगा। फिर आगे कहा जा रहा है कि अपने हर आचरण में अपने चित्त का परीक्षण करूं और स्व पर हानिकारक क्लेश उत्पन्न होते उनका बलपूर्वक सामना करके प्रहार करूंगा। अगर क्लेशों के बारे में बात करें तो 84,000 क्लेशों के बारे में बात की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से राग द्वेष मोह ये हमारे 3 क्लेश होते हैं। उसके अलावा मूल क्लेश 6 प्रकार के, 21 प्रकार के क्लेश होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो मूल रूप से 6 प्रकार के जो क्लेश हैं इनको हमें समझना चाहिए, हर दिन इनको अभ्यास करना चाहिए, हर रोज़ इनके अधीन हमें नहीं जाना चाहिए। इसको आप अपने मन में रखें। जब मैं दुष्ट प्रवृत्ति के सत्यों को देखूं, प्रबल दुष्कर्म पीड़ा द्वारा दमित, उन्हें प्रिय समझूं, क्योंकि रत्न निधि सम दुर्लभ है। तो जो जीवधारी है, जो दुखी जीवधारी है, उसके अलावा जो जिनका मन ठीक नहीं है और जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, ऐसे लोगों से मिलें, तो उस समय भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा मन भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से है, और फिर अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। ऐसे लोगों को भी हमें प्रेम करना चाहिए।
अगर हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या करें, घृणा करें, तो फिर ऐसे मन अगर है तो वो धीरे धीरे कम करना चाहिए। जैसा पूर्व में कहा कि माओ ज़ेदुंग मेरे दोस्त थे, मुझे काफी वो पसंद करते थे। अगर माओ ज़ेदुंग अभी तक जीवित रहते तो निश्चित रूप से उनके मन में परिवर्तन आता, बुद्ध चित्त का उत्पाद होता, सुनिता का अभ्यास करते। अगर मैं उनके साथ बात करता, अगर उनको मैं उपदेश देता, तो निश्चित रूप से उनके मन में परिवर्तन आ जाता, चेंज आ जाता। वो तो बौद्ध दर्शन जो है केवल और केवल सरल गमन के लिए ऐसा नहीं है, श्रद्धा से मानते रहे ऐसा नहीं है, उसमें आपको सोच विचार करना है। इसलिए जितना हो सके अभ्यास करना चाहिए। केवल मुँह से बोलने से करते रहे ऐसा नहीं है, अपने मेहनत से, गहराई से, दिल की गहराई से अभ्यास करना चाहिए। जब भी कोई गरीब दिखाई दे तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, और वो ऐसा प्रेरणा बना के कि जब तक आकाश रहेगा, जब तक जीवधारी रहेंगे, तब तक मैं भी रहकर उनके दुखों को दूर करूंगा। तो इतनी बड़ी प्रेरणा कि जब तक आकाश रहेगा, जब तक लोग रहेंगे, तब तक मैं उनकी मदद करता रहूंगा, और उनके दुखों को दूर करने के लिए तभी संभव होगा जब आप अभ्यास करोगे। तो कहने का अर्थ है कि जब जीवधारी तो अनंत समय तक रहेंगे, तो मैं भी रह करके उनकी मदद करता रहूँगा, पूरा आत्मबल पैदा करके। इससे जो है हमारे मन में बड़ा परिवर्तन आता है। और मैं भी बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ, आत्म परावर्तन जो बोध चित्त है उसका मैं बहुत अभ्यास करता हूँ। और मैं बचपन से ही जो चिटियाँ इत्यादि हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो उस समय तो मैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं था। और जब मैं सोता था तो उस समय जब मच्छर आता था तब मैं उसको पकड़ लेता था, मारने की कोशिश करता तो उसको मारने का विचार होता था। बचपन में इस प्रकार से होता तो मैं अपने उसके जीवन को महत्व नहीं देता था, अपने जीवन को महत्व देता था। फिर धीरे धीरे जब विचार किया कि कोई भी जीवधारी हो, सभी लोगों का जीवन एक जैसा होता है, इसलिए जो हत्या है वो कभी नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। वो केवल और केवल जान करके हुआ, सीख करके हुआ। जब तक मैं नहीं जानता था तब तक इस प्रकार से कार्य होते थे, और जब सीखना है वो स्वयं नहीं आ जाएगा, उसको अभ्यास करके संभव हो सकता है। और इसके बारे में अच्छी तरह से विचार करेंगे, और जो अभी जो ग्रंथ है चित्त शोधन के अष्टपद, इनको अगर अभ्यास करोगे तो मन में परिवर्तन आएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, और आप लोग जितना हो सके इसका अभ्यास करते रहें। फिर आगे, यदि कोई अन्य ईर्ष्या बस मुझसे गाली गलौज निंदा आदि दुर्व्यवहार करे, तो भी मैं पराजय को स्वीकार करता हुआ उन्हें विजय अर्पित करूं। जिस पर मैंने उपकार किया और जिससे बड़ी अपेक्षा रखता हूँ, यदि वह अकारण मुझे अत्यंत पीड़ित कर, तब भी मैं उसको परम कल्याण मानूंगा। तो अगर दूसरों का हित करोगे तो मन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है।
पर संचय बिना किसी अपवाद के सभी को प्रत्यक्ष और परोक्ष सहायता व लाभ दे सकूं और सम्मान भाव से निज पर लूं अपनी माँ सभी सत्यों के दुख पीड़ा। मैं इन सभी अभ्यासों को अष्टलोक धर्म के दाग से मलिन न होने दूं और सभी धर्मों को माया जानकर मोह के बंधन से मुक्त हों, और चाहे हमारे सगे संबंधी हों, बाहर के लोग हों, और प्रमुख रूप से जो मित्र हैं, जो क्रोध करते हैं, गुस्सा होते हैं, उन पर हमें प्रेम करना चाहिए। इसलिए दूसरों के प्रेम करने का रूपी जो चित्त है, जो बोध चित्त है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शायद मैं अभी मैंने पहले भी कहा था कि अगर माओ चेतंग आज होते तो निश्चित रूप से उनसे संबंध रख कर के, उनसे मित्रता करके उनको निश्चित रूप धर्म मित्र बना लेता, कल्याण मित्र बना लेता। तो क्योंकि बातचीत से संभव है, बातचीत करके लोगों में परिवर्तन आ सकता है। और इसलिए दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, दूसरों को हित करने की कोशिश करनी चाहिए। आज जो तिब्बत में जो चीनी सरकार के लोग हैं, तो वो तिब्बतियों के प्रति जो क्रोध करते हैं, तो बेचारे किलोसों की वजह से हैं, अज्ञानता की वजह से इस प्रकार से करते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति हमें करुणा दिखाना चाहिए जो बुद्ध को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो हमारे बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे दुश्मन हैं। ऐसा न मान के ये मानना चाहिए कि वो बेचारे हैं, अज्ञानता में जी रहे हैं, और वो बहुत सारी अटैचमेंट की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो चाहे वो अज्ञानता हो, अटैचमेंट हो, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो मैं हमेशा जो चीनी लोग हैं, जो चीनी सरकार के लोग हैं, जो तिब्बत के प्रति बुरा सोचते हैं, उनके प्रति भी मैं प्रेम करता हूँ। तो पहले लोग हमको अलगाववादी कहते थे, दलाई लामा जी को अलगाववादी कहते, आजकल तो नहीं कहते हैं। तो वो कहते हैं कि लोगों को तिब्बत में अलगाव पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी चीनी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो दूसरों को अगर मदद करना चाहते हो, तो दूसरों को मदद करने से पहले आपको अपने मन को अच्छा करना चाहिए। अच्छी तरह से आप अभ्यास कीजिए। और अभी भगवान बुद्ध का दर्शन जो कम नहीं हुआ है, अभी उसमें कमी नहीं आई है, अभी भी है। तो इसलिए भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, उसके प्रति बहुत सारे लोग ध्यान दे रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मैं जितना हो सके उतना अभ्यास करता हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, बोधचित्त का अभ्यास करता हूँ, सोते समय में भी बोधचित्त का अभ्यास करता हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी धर्म का अभ्यास करना चाहिए। आप सभी लोग मेरे मित्र हैं, धर्म मित्र हैं। और केवल आप जो ठाचे पहन लें या फिर चीवर पहन लें, आप मन में अगर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, जो सामान्य लोग उसी तरह से रह रहे हैं, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। इसलिए आप लोग अगर मंक लोग हैं, तो आप लोगों को अपने मन में परिवर्तन लाना चाहिए। जो त्रिशिक्षा हैं, उसका अभ्यास करना चाहिए। अपने आपका जो विचार है वो अच्छा होना चाहिए, मन भी अच्छा होना चाहिए। जो दर्शन है, वो जो बौद्ध दर्शन है, उसको आपको अच्छे से दूसरों को अच्छे से बताने वाले होना चाहिए। आप मेहनत कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को टच दिले, थैंक यू, धन्यवाद।